Hello everyone, I am here with the second chapter of civics class 8th, and the name of the chapter is understanding secularism, means dharm nirpekshata ki samajh. Let's start the chapter. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है. सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए का मकान नहीं देना चाहता. हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको कैसा लगेगा? वुड इज नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? वॉट इफ़ यू डिसाइडेड टू कम्प्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वे आर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा? योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स. फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाई सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वेयर हिंदू एंड मुस्लिम आर इन अ मेजॉरिटी. दिस इज़ इन फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. योर यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स. This statement rests on the assumptions that all forms of domination related to religion should end. एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमान की संख्या ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए. यह बदला लेने वाली बात है. या फिर आप ये राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए. इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए. दिस इज़ द इंश्योर ऑफ सेकुलरिज्म. यही धर्म निरपेक्षता का मूल मंत्र है. इन दिस चैप्टर In this chapter, you will read more about what this mean in the Indian context. इस chapter में हम यही देखेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है. History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion. इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किए. वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था. Now, however, the Jewish state of the Israel treat its own Muslim and Christian minority quite badly. लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इसराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है. इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर. सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं. इन ऑल of the above examples, member of one religious community either persecute or discriminate against member of either other religious communities. इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है. क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेटेड बाई अनदर रिलीजन.
जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे राज्य सॉरी किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? वॉट इज सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट द प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द ट्रैनी ऑफ द मेजोरिटी। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। भारतीय संविधान सभी को अपनी धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। सेकुलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहते हैं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फॉर द स्टेट। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है? एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। जैसा कि हमने कहा कि धर्म निरपेक्षता का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि धर्म को स्टेट से अलग करना, यानी राज्य सत्ता से अलग करना। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. दुनिया के तकरीबन सारे ही countries में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। Within these religious groups, there will most likely to one group that is in a majority. जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute person of other religion. अगर आप बहुमत वाले धर्म के लोग राजसत्ता में पहुंच जाते तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। Tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at time even the killing of religious minority. बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। The majority could quite easily prevent minority from practicing their religion. बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज टू ईच एंड एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। Therefore, for tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन, ये सब एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। Another reason that is the important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, to have the freedom to interpret religious teaching differently. लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक और महत्वपूर्ण रीज़न ये है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि ये देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता देता है।
इट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आइए इस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़म एंड देयर फोर यू वॉन्ट टू ट्राई द रिफॉर्म इट। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका ये मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे। However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। What is Indian secularism? भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष रहेंगे। According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्म निरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। First, that one religious community does not dominate another. कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। सेकेंड, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। थर्ड, दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा, न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। द इंडियन स्टेट in works in various ways to prevent the above domination. First, it uses a strategy of distancing itself from religion. इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका तो यह है कि वह खुद को धर्म से अलग रखता है। The Indian state is not ruled by any religious group and nor does it support any one religion. भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथ में हो है और न ही राज्य के किसी एक धर्म को वो समर्थन देता है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसर्स आर नॉट सपोर्ट टू डिस्प्ले या प्रमोट एनी वन रिलीजन। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसके प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं की जाती है। द सेम रिलीजन अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर सम लोअर कास्ट विद इन इट। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसमें आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बात का एक एग्जांपल है कि किस तरीके से एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के कुछ सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इन दिस इंस्टेंस इस उदाहरण से द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस दैट इज बिलीव डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूड एंड द वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ लोअर कास्ट हु आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इस उदाहरण से राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ाने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करता है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वो भी किसी देश के नागरिक हैं। सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट आर एस्पेक्ट्स द स्टेट मे हैव टू इंटरव्यून इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़।
इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर के हिस्से का अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य के समुदाय के धर्मों पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेटअप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इट ऑल्सो गिव देम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य में उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। इन वॉट वेज इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, हम ये देखते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज हैव द बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऊपर दिए गए तीनों जो भी एम हैं उनको दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान देश के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन योर द प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ द रिलीजन। अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए लेजिस्लेचर को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as an official religion. इसका मतलब ये है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। Nor can they give preference to one religion, नहीं किसी एक religion को वरीयता दे सकते हैं। In the US, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथककरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तभी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। देर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शायद आप हम समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism, in the state can intervene in religious affairs. ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। You have read above how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया गया है। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principled distance vice versa religion. भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है लेकिन धर्म से इसका फासला सैद्धांतिक है। द मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज योर इन नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेकुलर प्रिंसिपल। ये आदर्श व कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेंट। भारतीय राज्य धर्म निरपेक्ष और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन द दीज सेक्युलर प्रिंसिपल। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों को आश्वासन देता है। हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायोलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो चुका है। इंडीड इट इज द प्रिसिसली बिकॉज सच वायोलेशन हैपन फ्रिक्वेंटली दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग।
बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे अपने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू देयर वैल्यूशन एंड इनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दिस वायलेशन टेक प्लेस। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें उसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। इन फरवरी 2004 फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम वियरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस या पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज द इस्लामिक हेड स्कार्फ द ज्वेस स्कल कैप योर लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुरका यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। दिस लॉ हैज़ एनकाउंटर्ड अ लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फार्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया टूनीसिया या मोरक्को। वे मुख्यतः अल्जीरिया ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। इन द 1960s फ्रांस हैड फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड वीजास फॉर दिस इमाइग्रेट टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी तो उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेट्स ऑफन वियर हेड काफ्स वाइल अटेंडिंग स्कूल्स। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती थीं। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर स्कूल फॉर वियरिंग हेड स्काफ्स। लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। थैंक यू।